हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जो लगातार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो पीजी एडमिशन की अपडेट है, वो सारा तमाम अपडेट आपको प्रॉपर मिल रहा है। और अभी जो टाइमिंग है पीजी एडमिशन के अपडेट का, वो आज का बेहद ही खास दिन है और ये आप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। आज का क्या कुछ डिसीजन है, डिसीजन कल के पेपर में 100% आएगा। उम्मीद है कल ऑथेंटिक ये जो नोटिस है, ये नोटिस के फॉर्म में कल आपको आएगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अभी कुछ भी नहीं आया, लेकिन उसके पहले बहुत सारे कुछ कॉन्स्पिरेसी सिचुएशन है, बहुत सारे कुछ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है, जो सिचुएशन के बारे में आपको भी जान लेना है, जिससे कि क्या होगा कि अगर कल जो आगे आने वाला जो प्रोसेस है एडमिशन का, उसमें आप कन्फ्यूज ना हो और आपका एडमिशन सही तरीके से हो जाए। चूंकि अब जैसे जैसे टाइमिंग हो रहा है, वैसे वैसे सीट भी लगातार कम रहा है। और जो शुरुआती सीट इसका था, वो तकरीबन आपको 8500 के आसपास इसका सीट था, 8500 सीट्स इसका था, और इसमें लगातार थोड़ा सा कमी आया, एडमिशन होते गया। फर्स्ट फेज का एडमिशन हुआ, सेकंड फेज में भी लगभग एडमिशन हुआ, बट उस एडमिशन पे भी संशय बरकरार है कि उसका एडमिशन रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन ये सियोर था कि जिनका भी जो पहले अप्लाई किए थे, और जो पहले अप्लाई करने के बाद जिनका भी मेरिट वगैरह नाम आया एडमिशन लिए, उनका एडमिशन 100% सियोर रहा। लेकिन जिनका भी सेकंड फेज में अप्लाई किए थे और अलॉटमेंट आ गया हाई परसेंटेज वगैरह के कारण, तो उनका एडमिशन में अभी भी जो कह सकते हैं जो कन्फ्यूजिंग है या डाउट है, वो डाउट अभी रेडी है। तो वो सारा सॉल्यूशन कल के जो नोटिस आएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें आएगा। अभी फिलहाल डिस्कशन चल रहा है, आज सारे एडमिशन कमेटी मेंबर का आज बैठक था। बैठक में क्या कुछ डिसीजन रहा, अभी थोड़ा सा लिंक वगैरह नहीं आया है, क्या कुछ उसका जो मेन कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन वगैरह नहीं आएगा, वो बहुत जल्द कंक्लूजन वगैरह आएगा। और हम उसके लिए लगातार सर्च में लगे भी हुए हैं कि कहां से अपडेट मिल जाए, तो वो जैसे आता है, खैर वो फर्दर में कल के वीडियोस वगैरह में ला करके अपडेट करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं अपडेट दे रहा हूं, वो अपडेट समझ लीजिए, कल आपको बहुत ज्यादा तैयार रहना है। कल आपको नोटिस के लिए आपको प्रिपेयर कर लेना है कि वो आप पे क्या इफेक्ट डालेगा और आपको किस तरीके से करना है। ये तो 100% श्योर है कि कल फिर से जैसे एक अपडेट का जो कहानी आया था, एवरी कैंडिडेट को अपडेट करना था, चाहे उनका मान लेते हैं अगर जिनका अलॉटमेंट नहीं आया था फर्स्ट लिस्ट में, या फर्स्ट लिस्ट में आया भी था बट वो एडमिशन वगैरह नहीं लिए, यानी कह सकते हैं जिनका भी एडमिशन फर्स्ट लिस्ट के बाद फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ था, उनको एक अपडेट करने का काम करना था। तो उसी तरीके से कल फिर से आपको अपडेट वगैरह करने का काम करना है। कल फिर से आपको जो सारा करेक्शंस वगैरह करने रहेगा, या फिर कह सकते हैं फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करने का तो चांस नहीं मिलेगा, ये 100% श्योर है। कम से कम कल वाला टाइम में नहीं मिलेगा, हमें भी आगे वाला टाइम में मिल सकता है और 100% मिलेगा भी, चूंकि इसका भी स्पॉट एडमिशन और कैजुअल एडमिशन होता है। जिस तरीके से पीयू में जो सारा अपडेट है, वो कल से जो एडमिशन का जो नेक्स्ट फेज है, वो पीयू में पटना यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होगा। और पटना यूनिवर्सिटी वाला भी वीडियो मैं अवेलेबल करा दिया हूं सुबह में ही, उसमें सारा प्रोसेस वगैरह मैं बता दिया था। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो कैजुअल या जो स्पॉट एडमिशन की जो सारी प्रक्रिया होगी, वो इस फेज के बाद लगभग हो जाएगी, चूंकि सेकंड फेज के बाद लगभग इसमें भी सीट का जो रेशियो है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मे भी उम्मीद है कि और यूनिवर्सिटी भी इसके लिए जो एडमिशन कैलेंडर जारी की थी, आपको याद होगा, अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एडमिशन कैलेंडर देखेंगे, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी टारगेट थी कि हम मात्र दो ही एडमिशन का फेज निकालेंगे, इससे ज्यादा एडमिशन का फेज को हम अपनाएंगे नहीं। वो शायद देखिए, मैं अभी आपको नोटिस भी फिलहाल में दिखा देता हूँ, जिसमें ये पूरे प्लानिंग को तैयार किए थे कि किस तरीके से इनका जो पूरा एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि इनका जो रजिस्ट्रेशन, जो एडमिशन लेने का जो पूरा प्लानिंग था, तो वो दो फेज में है। एक फेज ऑलरेडी बीत चुका है, ये देखिए दूसरा फेज वाली बात है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। और ये दूसरा फेज का जो अपडेट था, यानी एडमिशन ऑल ओवर कह सकते हैं, यहाँ पे कहीं नोटिस है, और चलिए वो नोटिस भी पहले आपको दिखा ही देते हैं। या आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो नोटिस है, और इसमें देख सकते हैं मात्र दो ही एडमिशन फेज के बारे में बात की थी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी। इसके बाद स्पॉट एडमिशन और कैजुअल एडमिशन की जो सारी रिमेनिंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस स्टार्ट होना होता है। और देख सकते हैं सेकंड एडमिशन का जो प्रोसेस था, वो 13 फरवरी तक ही था, लेकिन डेट तो ओवर हो चुका है, सारा काम डेट के अनुसार ही हुआ। लेकिन ये सेकंड फेज का जो एडमिशन का प्रोसेस रहा, यही डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण थोड़ा सा डेट वगैरह बढ़ गया। क्लासेस वगैरह भी चलाने का पूरा वादा कर चुकी थी यूनिवर्सिटी कि 15 फरवरी से क्लासेस वगैरह को चलाने वाली थी, लेकिन वो सारा कुछ भी प्लान नहीं हुआ। तो ये आप श्योर रहिएगा कि जो एडमिशन होगा, वो मात्र दो ही फेज में होगा, रिमेनिंग जो भी सारा सीट बचेगा, उस पर स्पॉट या कैजुअल एडमिशन के जरिए से उस सीट को फिलअप किया जाएगा। तो अब जो कल जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में अगर आपका एडमिशन नहीं होगा, तो फिर आपके लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। तो कल वाला जो प्रोसेस है, जो कल आने वाला प्रोसेस है, उस पर अपडेट बनाकर रखिएगा, और ये प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि जो सारा प्रोसेस है उसको सही से समझिएगा। वो मैं आगे आने वाले वीडियोस के जरिए से बताऊंगा, लेकिन इतना मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूं कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत सारा इशू हो रहा है, और वो इसके रिगार्डिंग कई सारे कमेंट कर रहे थे, तो ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट हो गया। कई सारे कैंडिडेट अभी भी कर रहे हैं कि उनका नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम लगभग अभी तमाम सबके साथ आ रहा है। अभी आप इसमें थोड़ा सा परेशान नहीं होइएगा, ये समझिए कि जिस तरीके से पहला फेज के बाद आपका शो कर रहा था, लगभग हर कैंडिडेट को उसी तरीके से शो कर रहा है, इसमें ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। यानी कह सकते हैं सेकंड फेज को समझिए कि डिलीट कर दिया गया, जैसे आप पहले थे वैसे ही आप रह गए हैं। सेकंड फेज आने वाला कल है, कल से जो प्रोसेस आएगा, प्रोसेस पर ध्यान रखिएगा, प्रोसेस के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा, जैसे कि आपका एडमिशन ना छूटे। और जो भी कैंडिडेट का अप्लाई करने से रह गया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, वो सेकंड फेज के बाद फिर से अप्लाई करने का एक बार चांस आएगा, तो आप सेकंड फेज के बाद अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का भी जिस तरीके से फर्स्ट फेज के बाद एक बार मौका मिला सेकंड फेज में अप्लाई करने का, उसी तरीके से सेकंड फेज के बाद फिर से एक बार मौका मिलेगा अप्लाई करने का। तो जो भी कैंडिडेट रह गए या छूट गए हैं, कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उनको भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि उनको अप्लाई करने वगैरह का जो चांसेस वगैरह मिलेगा, वो आपको चांस मिलेगा सेकंड फेज के बाद। सेकंड फेज में जो भी सारा एडमिशन से एडमिशन हो जाएगा, इसके बाद कल जो कट ऑफ आएगा, वो कट ऑफ दो टाइप का आएगा, इस पर भी ध्यान रखिएगा। कल का जो कट ऑफ आएगा उसमें दो टाइप, एक ऐसा टाइप जिसमें जो कैंडिडेट पहले से अप्लाई करके रखे हैं उनके लिए अलग कट ऑफ, और जो कैंडिडेट फर्स्ट फेज के बाद अप्लाई किया है उनके लिए अलग कट ऑफ। दोनों के कट ऑफ में लगभग तमाम जो कट ऑफ होगा उसमें 5 से 7% का डिफरेंस होगा।
डिपेंड है कितना एप्लीकेशन आता है, तो एडमिशन ये कंफर्म नहीं कि सबका एडमिशन हो ही जाएगा, वो थोड़ा सा आपके परसेंटेज कैटेगरी वगैरह पर डिपेंड करेगा। और उम्मीद है कि जो एडमिशन का जो प्लानिंग है इसमें रोस्टर कट ऑफ को अपनाया जाए, यानी एक कट ऑफ लिस्ट, जैसे पीयू कट ऑफ लिस्ट पूरा बकायदा जारी करती थी हर कैंडिडेट का कि किस सीट पर किसका एडमिशन हुआ, उसी तरीके से उम्मीद है कि एडमिशन कमेटी मेंबर आज डिसाइड करे ताकि वो ट्रांसपेरेंसी ला सके। और थोड़ा सा जो करप्शन का मैटर है वो थोड़ा सा सबके मन में सवाल उठता है कि मे बी करप्शन के कारण सीट वगैरह को फुल किया जा रहा है, तो वैसा सिचुएशन अभी तक तो नहीं है, लेकिन फर्दर जो भी कुछ होगा फिर आपको अपडेट करेंगे। और जिस तरीके से मैंने पीयू के लिए जो फैसिलिटी लाया, यानी जिनका भी एडमिशन वगैरह होते होते रह गया या कुछ जो भी सारा प्रॉब्लम हुआ, तो उन प्रॉब्लम के बाद फिर मैंने पीयू में जो व्हाट्सएप ग्रुप का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का फैसिलिटी था उसको लॉन्च किया, जिसके जरिए से क्या कुछ होता है कि हम आपके लिए सारा ऑनलाइन का प्रोसेस वगैरह करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं हो और आपका एडमिशन 100% श्योर हो जाए। उसी तरीके का फैसिलिटी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के लिए भी लॉन्च किया हूं, तो जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना रहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स है। इसके लिए आपको छोटा सा एक सर्विस चार्ज देना होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो भी सारा आपका ऑनलाइन प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस हम खुद कंप्लीट करते हैं और आपके जो सारे डिटेल्स होते हैं वो सारा डिटेल्स को खुद से हैंडल करते हैं और आपका एडमिशन को श्योर करते हैं। तो ये सारा आपके लिए अपडेट है, ये सारा आपके लिए फैसिलिटी है, चॉइस है, आपकी जुड़ सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि एक और आपको बेनिफिट मिलेगा कि जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा तो जो सारा ऑनलाइन एडमिशन का जो सारा पूरा प्रोसीजर है वो पूरा ऑनलाइन का एडमिशन का प्रोसीजर भी हम खुद से कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए ज्यादा कैंडिडेट का व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बना सकता हूं, 100 कैंडिडेट का टारगेट है, पीयू में भी 100 कैंडिडेट, एनपीपीयू में भी 100 कैंडिडेट। तो जो भी कैंडिडेट को इस व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप फैसिलिटी से जुड़ना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के डिटेल्स के जरिए से जुड़ सकते हैं, उसमें सारा डिटेल्स मेंशन कर दिया हूं। और आप जुड़ने के बाद आपको क्या करना होता है, सारा डिटेल्स आप हमें सेंड करते हैं, इसके बाद पर्सनली या ग्रुप बनाकर किसी भी तरीके से मैं उसे हैंडल करूंगा, बट वो आपके लिए बेहद ही ज्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कल से जो आगे आने वाला प्रोसेस है अगर इस एडमिशन के प्रोसेस में आप पीछे रह जाते हैं देन फिर आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा अपने तरीके से, मेन आपको कम से कम कुछ भी नहीं होगा, तो ये तो 100% श्योर है कि आपका एडमिशन का जो सारा कंटेंट है वो सारा कंटेंट को मैं खुद से हैंडल करूंगा ताकि आपका एडमिशन में किसी भी प्रकार का गलती ना हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और वो आप थिंक भी कर सकते हैं कि आपको वो सारा प्रोसेस मैं खुद से करूंगा तो कहीं पे किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना मैक्सिमम नहीं के बराबर है। सो गाइस ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है अपडेट मैंने आपके साथ डिलीवर कर दिया। पीयू का भी फैसिलिटी चल रहा है, पीपीयू का भी फैसिलिटी चल रहा है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेना है उस फैसिलिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।